हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। प्लीज वीडियो को पूरा देखें। आज मैं आपको एक खास जगह लेके जाने वाला हूँ। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं पार्क शेक कॉक वाटरफ्रंट। ये जगह हांगकांग सेंट्रल से करीब 13 किलोमीटर दूर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले मॉन्गकॉक ईस्ट रेल स्टेशन आए, वहां से ईस्ट रेल लाइन लेकर शाटिन स्टेशन पर उतरे। शाटिन स्टेशन से आप एग्जिट A4 से निकले और बस नंबर 27 या 27A लेकर आप आसानी से पार्क शेक कॉक पहुँच सकते हैं। मॉन्गकॉक से पार्क शेक कॉक जाने में करीब 45 to 50 मिनट्स तो लग जाती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ ही में बेल का भी आइकन दबाएं। तो आप सबको बता दूं कि ये जगह साइंस पार्क और चाइनीज यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बाजू में। यहाँ पर खाने के लिए भी बहुत सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। सामने में आपको टॉम बार एंड ग्रिल दिखाई दे रहा होगा। सामने में ये जो बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये साइंस पार्क है। आप सभी को बता दूं कि हांगकांग शहर से बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। जो खास वजह है यहाँ पर लोगों का आने का, वो ये है कि यहाँ पे एक डेडिकेटेड साइकिल लेन बना हुआ है। आप लोगों का कहना होगा कि बहुत सारे लोगों के पास साइकिल नहीं होती है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे रेंट पे साइकिल भी मिलती है, तो आप यहाँ पर रेंट पे साइकिल ले सकते हैं और साइकिलिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ये जगह विजिट करना है तो सबसे अच्छा टाइम जो है वो है, या तो आप अगर अर्ली मॉर्निंग जाए या तो फिर थोड़ा सा लेट इवनिंग जाए। फॉर्चुनेटली मैं जब वहाँ पहुँचा तो वेदर थोड़ा सा क्लाउडी हो गया, तो आप देख सकते हैं कि वीडियो में ये कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया और आप अगर ऐसे और भी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।